सरको पर कभी जाम गया ही दिन रात दारू 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 तेरा मारंग इसे बुद्धि पे थोड़ी एनर्जी ले आऊं प्रपोज करने खातिर भी एनर्जी चाहिए नहीं एनर्जी चाहिए सुंदर मैं तेरे बहुत प्यार करूं मैं कौन करदा रहने दे फिर हीरे जाने वाली रुक जाइए जरा खता क्या है मेरी बताइए जरा हीरे जाने वाली। राम राम भाई सारे भाइयों ने मैं आपका भाई सुंदर दोनों दिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों भिवाणी आ गया हूँ मैं भिवाणी में विद्यानगर में आ गया हूँ भाई और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक हरियाणवी कलाकार जो कि भाई नाटक में कॉमेडिया में और भाई गाने में अपना नाम कमा चुके हैं जिसका नाम है दिव्या पुनिया। तो भाई माँ का रोल भी कर ले है और बहू का रोल भी कर ले है सारे रोल करा भाई। तो उन तय आज आपकी मुलाकात करवाएंगे तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में आ जाओ। दिव्या जी राम राम। राम राम जी सुंदर जी ठीक हो? हाँ जी बढ़िया आप कैसे हो? बस बढ़िया जी। चलो तो भाई ये हैं हरियाणी कलाकार देखियो वीडियो इनकी मज़ा होगा एक एक नंबर की वीडियो बना रखी हैं। तो सबसे पहले तो दिव्या जी अपने दर्शकों ने अपना परिचय दो। बिल्कुल जी मैं दिव्या पुनिया हरियाणवी आर्टिस्ट हमारे से भी दर्शकों ना जोड़ के राम राम जी। तो दिव्या जी आप इस लाइन में हो के सोच के आए थे कैसे आपका जुनून चढ़िया? सोचा तो कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग से फिल्म देखा करते बस एक्टिंग का था मन के अंदर भी एक्टिंग करा कुछ जी। हाँ तो ये सोच के भी कुछ ना कुछ करके दिखावाएंगे। हाँ कितने साल हो गए अपना कर दिया? मेरे को हो गए कम से कम 8 साल हो गए इस लाइन में। 8 साल हो गए। हाँ जी। तो पहली एल्बम पहली कॉमेडी कौन सी थी आपकी? मेरी सबसे पहले मूवी आई थी नारी से निर्माण जी। हाँ तो बहुत अच्छी फिल्म थी। उसके बाद फिर मैं मुंबई भी काम करके आई मूवीज़ वगैरह करके आई और फिर उसके बाद मेरी मूवी आई फाइटर विजय वर्मा के साथ आई जी। उसमें क्या रोल था? उसमें मेरा इंस्पेक्टर का रोल था बेशक छोटा हो लेकिन था। पुलिस भी बन चुकी हैं। तो दिव्या जी ये बताओ जो आपकी सबसे बढ़िया मूवी या नाटक या फिर कॉमेडी कौन सी रही है? जो मेरी ब्लॉकबस्टर कॉमेडी रही है वो है तोतली। तोतली ने तो मतलब अच्छा नाम और फेम अच्छा दिया। तोतली मेरी बहुत अच्छी चली। अच्छा हाँ तो उसमें के रोल था? तोतली का रोल। तोतली का रोल था। अच्छा अच्छा हाँ। अपने दर्शकों ने एक बार दो डायलॉग सुनिए दोस्तों। माले ताले दत्ता ने तोतली थी लाम लाम। तो भाई देखियो तो कौन सा चैनल पर है वो? ताई हरियाणवी चैनल पर है ये। अच्छा हाँ तोतली गुलाबो जी जी जी। तो दिव्या जी जैसे हम बात कर लें हरियाणवी जो नाटक हैं इसमें जो दर्शक हैं कितना प्यार दे रहे हैं कितना सपोर्ट कर रहे हैं? दर्शक बहुत प्यार कर रही हैं बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं दर्शक। आज जितना भी मैंने नाम कमाया है नहीं वो दर्शकों का प्यार से नाम कमाया है जी। हाँ जी बहुत प्यार जी। तो आप रोल करो हो घराड़ी का भी रोल कर लिया हाँ। और माँ का भी रोल कर लिया हाँ। काफ़ी रोल करो हो तो सबसे अच्छा रोल कौन सा लगा आपने? सबसे अच्छा तो मैं के बताऊँ मेरे सारे रोल करेक्टर रोल करी है मन ज़्यादातर। जैसे तोतली की मेरी सीरीज चली थी तो उसके अंदर मेरा पुलिस का भी था मेरा मॉडर्न का भी था और मतलब एक घरेलू औरत का भी था। मतलब उसके अंदर मान लो अगर 8 एपिसोड आए हैं ना तोतली के तो 8 एपिसोड के अंदर मेरा अलग अलग करेक्टर था सारा लगभग करेक्टर रोल करे हमने ये। और फिर माँ का रोल था ये था कि भाई एक चैलेंजिंग रोल है माँ का भी क्योंकि एक प्रोफाइल मैं तैयार कर रही हूँ अपनी कल को बॉलीवुड से ऑफर आ रहा है तो भी वो प्रोफाइल तैयार होनी बहुत ज़रूरी है या क्या पता कहाँ पर अपन क्या रोल मिल जाए है ना। तो इस करके मैं लगभग सारे रोल कर लूँगी ये अच्छा लगा चैलेंजिंग रोल करना। हरियाणा से बाहर भी आपके पास ऑफर आए हैं? बिल्कुल आए हैं ऑफर मुंबई से आए थे। अच्छा हाँ जी वहाँ पर करके आई मैं मूवी अपनी अभी। अच्छा हाँ जी हाँ। कौन सी मूवी करके आई? ये तो मैं बता नहीं सकती अभी मैं 20 दिन का शूट करके आई हूँ। अच्छा। आएगी ना तब बताऊँगी। और अभी हमारी खुद की प्रोडक्शन से हमारी फिल्म आ रही है अभी बेहुड़ा बलम जी। अपनी खुद की प्रोडक्शन हमारी। अच्छा।
दिव्या राज प्रोडक्शन हमने नाम रखा और उसका पहला डेब्यू है और उस फिल्म के हीरो हैं मेन मिस्टर राज आर्यन। एक बार हीरो दिखा दो भाई। राम राम करते जी। राम राम जी। राम राम जी। अपना बारे में थोड़ा परिचय दे दो। हाँ जी, मेरा नाम प्रदीप शर्मा, वैसे प्यार से लोग राज कहते हैं, मेरा मार्केट नेम राज है, तो करनाल सोसाइटी से हूँ मैं। हाँ जी। तो भाई फिल्म के हीरो भी अपन है, मिल गए हैं अड़े। बेवड़ा कोलम अपनी फिल्म आएगी बहुत जल्दी, ये हैं उनके हीरो, मैं छोटी सी कलाकार। तो भाई कद से आ जाएगी ये? बहुत जल्दी आ जाएगी जी, 10 दिन का टाइम और लगेगा, 10 दिन का बाद आ जाएगी मूवी, सबके बीच में आ जाएगी। और सारे फिल्म ने बहुत ज़्यादा प्यार दियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो फिल्म ने, और कोशिश रहे कि हमारी कंपनी के थ्रू हम इसने रिलीज़ करवाओ फिल्म ने। अभी फाइनल नहीं हुई है किस कंपनी से करवावेंगे, तो करवावेंगे। हाँ, तो आपका इसमें क्या रोल रहा है इस फिल्म में? इस फिल्म में मेरा घराड़ी का रोल है, ये घराड़े हैं उसमें, ये शराब भी हैं, मारपीट वाला सी मतलब बेवड़ा फिल्म है, तो क्या होगा समझ ही सको आप। दारू पीकर पीटते हैं जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, बहुत कुछ मसाला है मूवी में, देखने में अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी फिल्म है, सब कलाकारों ने बहुत मेहनत करी फिल्म के अंदर। कहाँ पे शूट किया है इसका? ये अपने चार गांवों के अंदर शूट की थी फिल्म, ये अलग अलग गांव थी, अलग अलग लोकेशन थी, शूट की थी उधर ये। तो दिव्या जी हम बात कर लें कि जैसे आप अलग अलग सीरीज में काम करो हो, अलग अलग कलाकार के साथ काम करो हो, तो कौन सा वो कलाकार है जिसको आपको ये लगे हाँ भाई अच्छा कलाकार है, इसके साथ मेरी अच्छी जोड़ी जचती है? मिस्टर राज आर्यन के साथ मेरी जोड़ी सुपर हिट है। इनके साथ कब से कर रहे हो काम? इनके साथ इनका डेब्यू फिल्म करवाया भी मैंने, एक्चुअली मेरी शूटिंग थी, तो वहाँ पर ये भी मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग करे हैं, करेक्टर रोल बहुत अच्छा करे हैं, तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी। फिर इनने कही है कि मैडम भी मैं भी काम करना चाहता हूँ, तो फिर भी अगर किसी के अंदर इतना इंटरेस्ट है काम करने का, तो देखिए आप सपोर्ट करना अपना फर्ज है, है ना, बस ये एक सपोर्ट कर रही हैं, एक कलाकार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के एक नए कलाकार हैं, सबके बीच में उभरते हुए कलाकार हैं, स्टार, तो अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा, है ना, तो सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं सपोर्ट कर रही हूँ, आप सब भी इनको सपोर्ट करो जी। दिव्या जी जैसे आप जाओ हो किते, तो आपके चाहने वाले भी हैं, तो कितनी खुशी मिले हैं आपके साथ सेल्फी ले हैं लोग? बहुत अच्छा लगे हैं, बहुत अच्छा लगा है। दर्शकों ने यही कहूँगी, सब मेरे तो ऐसे ही प्यार करते रहियो, तारा प्यार है तो मैं हूँ, छोटी सी कलाकार हूँ, और आगे तक भी थम्स अप पहुँचाओगे, ठीक है, और ऐसे ही हमने प्यार देते रहना, ताकि हम आप सब के बीच में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आवा, कोई कमी दिखे तो हमने कमेंट में बताओ भैया कमी है, और हमारे सुंदर जी का चैनल है, इन्हें दबा दो सब्सक्राइब मार दो, खेच दो मीटर भाई। दिव्या जो दिव्या पुनिया हैं, इनका एक अलग ही अंदाज है भाई, जो आप नाटक में देखोगे, तो दिव्या जी आप रोल करो हो माँ का। हाँ जी। तो माँ का रोल में ये आपका बेटा है, तो इसको ये दारू पी क्या हुआ, तो क्या कहोगे इस पर, दो डायलॉग बोलो। फंसा के खड़ी कर दी। बोल दे कोई बात नहीं, बुद्धि पे तो मान लो एक और करेक्टर आपका, बार बार आप किसी को लाइक कर रहे हो, कोई लड़का है, मान लो मैं लड़का हूँ, बार बार आप जैसे देख रहे हो भाई मैं पसंद आ गया आपते ही, अच्छा तो कैसे आप प्रपोज करोगे उसको? अच्छा ये रोमांटिक सीन हो गए। हाँ रोमांटिक प्रपोज करने का तरीका। अच्छा प्रपोज करना पड़ेगा ही, फंसा के खड़ी कर दी फिर बीच में। बहुत फंसाओ सुंदर जी। जी और राम प्रपोज करूँगी मैं। दोस्तों प्रपोज पहली बार अपने चैनल पर प्रपोज करवा के रह गए हैं, हे परमात्मा फंस गई। करना पड़ेगा अभी प्रपोज ही हुए, करना पड़ेगा। दर्शक देख रहे हैं अपने। थोड़ी एनर्जी ले आऊं, प्रपोज करने खातिर भी एनर्जी चाहिए। नहीं एनर्जी चाहिए जी। सुंदर
मैं तेरे बहुत प्यार करूँ। मैं कौन करता? रहने दे फिर। मैं कौन सा जाती मैं करूँ? मैं भी नहीं, मैं कहूँ थी दिखाने खातर। जी, तो ये तो भाई देखो असी मजाक है, चलता रहो है, असी मजाक है जस्ट। जी जी, हाँ दिव्य जी, ये बात कर ले आप जागरण की, दो बोल आपके हो जाए अपने दर्शकों के लिए। दो बोल? हाँ, जागरण के, जागरण के। अच्छा जी, और फिर फंसा दी, बहुत फंसाओ सुंदर जी, कदे तोतला ही बुलवाओ हो, कदे प्रपोज करवाओ हो। मीडिया वाले, मीडिया वाले ऐसे बुलवाओ हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बोलने का। अच्छा जी, एक दो लाइन सुनानी पड़ेगी, श्याम बाबा की सुना दी दो लाइन। क्यों मुझसे कह जाता है गाया करो? नहीं, रागनी मैं नहीं गाती, सिर्फ जागरण, जागरण करती हूँ। रागनी जैसे कोई अच्छी सी है, कुछ हीर जाने वाली है, मतलब कुछ एक दो रागनी है। हाँ, हीर रांझा वाली, हीर रांझा की सुन लेंगे। अरे नहीं, वो हीर जाने वाली वाली है ना, वो वाली। अच्छा, हीरे जाने वाली। हाँ हाँ, वो सुनाएंगे भाई। दो लाइनें सुनाऊंगी बस, काले ज्यादा नहीं जी। ओ परमात्मा, बहुत फंसा हो सुंदर जी, क्या करूँ, ये फंसा के खड़ी कर दी। गा दे, कलाकार है, कलाकार ना शर्माने नहीं चाहिए। नहीं, शर्म तो को नहीं करती। हाँ, देखो करो। हीरे जाने वाली रुक जाइए, और पकड़ के जा रहने दो ना भाई, जो अमन है विश्वास था मैडम पे, वो विश्वास तोड़ दिया भाई। ना विश्वास कौन तोड़े, डट जाओ ना, बेइज्जती ना करो, दोबारा गाओ दोबारा। हाँ, एनर्जी आ गई थोड़ा दिल का। हाँ, काटे दियो ही ना। हाँ, दिमाग थला बोली आई, हीरे जाने वाली रुक जाइए जरा, खता क्या है मेरी बताइए जरा, हीरे जाने वाली। बस होगी दो लाइन जी, ये भी कड़ा आया मजा भाई। अरे पूरा सुरमा गाया है तो जागरण की भी, अपना खाटू श्याम की, श्याम बाबा का सुनाती हूँ, हिंदी मैटर सुनाऊंगे। इतना हमें बता दो, इतना हमें बता दो, हे सांवरे बिहारी, चोरी की क्यों कन्हैया, आदत बनी तुम्हारी। बस वाह। तो दोस्तों, रागनी भी सुना दी, खाटू श्याम का भजन भी सुना दिया, और भाई प्रपोज भी कर दिया, बेटा के भी मार दी, काफ़ी सारे करेक्टर कर दिए हैं। तो ईब आप मैडम का आगे और भी इंटरव्यू लेंदे रहेंगे, जब भी शूटिंग होगी भिवानी के आसपास से वीडियो बनाते रहेंगे। तो दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल को कीमती समय दिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी, हाथ जोड़ कर बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और बस ये अर्जी लगाऊँ मैं तो, सारे प्यार देव हमने भी और सुंदर जी ने भी, पूरा सपोर्ट करो सब ने। और ये हमारी मिस्टर राज हैं, कुमार दो कैमरा फिल्म के हीरो, सपोर्ट करियो इन्हें भी सब। हाँ, तो दोस्तों बने रहियो अपने साथ में, और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेंदे रहेंगे, बनाते रहेंगे। तो देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़, कैमरामैन संदीप दणोद के साथ में, मैं आपका भाई सुंदर दणोद दिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। जय हो।